हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने लेजर का फर्स्ट क्लास किया था। जनरल एंट्री लगभग लगभग खत्म कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं लेजर का सेकंड क्लास। लेजर के सेकंड क्लास में देखते हैं हम आगे कहाँ तक जाएंगे। जनरल एंट्री दिया था, जनरल एंट्री के अंदर मैंने आपको कहा भी था कि कुछ जो है आपका फर्स्ट जो बिजनेस स्टार्ट वाली है उस सब का जनरल और लेजर पोस्टिंग करना है आपने। नाउ अब हम सेकंड क्लास में चलते हैं और सेकंड क्लास के अंदर जर्नल सॉरी लेजर के अंदर सेकंड क्लास में हम क्या सीखेंगे? कुछ न्यू सीखने वाले हैं, ठीक है ना? तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सबसे आसान चैप्टर का नाम मैं लिख दूं, लेजर। इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? याद होगा आपको, देखा है अपने क्लास, सबसे पहले जर्नल फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस इसके बाद का स्टेप है। पहले मैं जर्नल कर लेता हूँ। मैं कुछ एक जर्नल एंट्री लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट नंबर वन, ज्यादा नहीं लिखना, मैंने कुछ एक जर्नल एंट्री दिख रहा है, पॉइंट नंबर वन, ठीक है? पॉइंट नंबर वन, ओके। पॉइंट नंबर वन, राम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹6,000। नंबर टू, दीपक। नंबर टू, गुड्स सोल्ड टू रामू। डेट डाल देते हैं ना, आप बोल रहे थे सर डेट डाल दो, चलो ठीक है। एक 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 जनवरी, 2 जनवरी, गुड सोल्ड टू रामू ₹500। ठीक है, थर्ड 3 जैन को परचेज फ्रॉम राजा रुपीस रुपीस 1,000। इसके बाद राजा से 1,000 का खरीद लिया। आगे देखते हैं, 4 तारीख को कैश रिसीव रिसीव फ्रॉम रामू ₹450 इन फुल सेटलमेंट। याद है ना फुल सेटलमेंट में क्या करते हैं? पता है आपको, फुल सेटलमेंट जब आता है तो वहां पे क्या किसका रोल प्ले होता है? हमारा डिस्काउंट का, है ना? तो हम अच्छे से कर रहे हैं आज। और एक और एंट्री, पिछली बार तो 3 ही था, एक और 5-1 को पेड टू राजा रुपीस 900 इन फुल सेटलमेंट। आज जो हम सीखेंगे ना बच्चे, आज जो सीखेंगे डियर स्टूडेंट, हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे मेनली के कंपाउंडेड एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे की जाए, ठीक है? और अच्छे से सीखना है और अच्छे से स्टार्टिंग से ध्यान देना है। मैं किसी के डाउट्स वगैरह नहीं लूंगा अभी, पहले मैं अपने टॉपिक कराऊंगा। मैं हर क्लास में यही कहता हूँ, फिर बाद में आप व्हाट्सएप, फोन कॉल, ईमेल जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। पहले आपको मेरा मेन मकसद है आपको समझा तो दूं अच्छे से। जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? तो मैं अब कितने लेजर बनेंगे एक बार उसको मार्क कर लेता हूँ, कितने लेजर हमारे बनने चाहिए। पहले जर्नल कर लें, अब जर्नल यहाँ पे करते हैं। बीइंग नहीं लिखूंगा मैं, तो आपको लिखना होगा, बट
फर्स्ट, यहां डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एलएफ का कॉलम बना देते हैं ना, एलएफ फर्स्ट एंट्री। यहां पे क्या आएगा, पर्टिकुलर फर्स्ट एंट्री, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए का, 6000 का, 6000 का। अगली एंट्री, गुड्स सोल्ड टू रामू, रामू डेबिट टू सेल्स, सारी जनरल एंट्री आपको पता है पहले से, 500 रुपए, क्योंकि जनरल एंट्री की क्लास में हमने की है इससे पहले। इसके बाद परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है भाई, राजा, राजा कितने रुपए का, 500, सॉरी 1000 का है ना, 1000, 1000। थर्ड एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फुल सेटलमेंट। कैश रिसीव है, तो कैश रिसीव है तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट होगा, जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू, टू किससे डील हो रहा है, किससे लेने हैं भाई पैसे, रिसीव फ्रॉम रामू। अब रामू ये रहा रामू, अब डिस्काउंट बताओ कितना है, रामू से लेने तो मुझे 500 थे, क्योंकि जब सामान हमने रामू को 500 का बेचा था तो लेने 500 थे, बट लेकिन 450 फुल सेटलमेंट में लिया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, कैश डिस्काउंट। तो हमारे मिला सिर्फ 450 का हमने दिया डिस्काउंट, और टोटल हमारा जो कैंसिल हो गया वो 500 का, ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं, नीचे कर देता हूं मैं। अगली एंट्री है राजा, राजा डेबिट टू कैश, टू कैश, टू, टू कैश, राजा डेबिट टू कैश, टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट है ना, राजा डेबिट कैश डिस्काउंट। राजा में क्या आएगा हमारा, राजा में आएगा 1000 रुपए, यहां भी डिस्काउंट है, 900 रुपए मैंने दिए सिर्फ, और 100 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। यहां तक देखिए, कोई डाउट, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है यहां तक, जी सर बिल्कुल, यहाँ तक सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चे। हम आगे देखेंगे इसके बाद कंटिन्यूटी में, स्टेटमेंट भी हो गया, अब लेजर बनाना है। अब लेजर कितने बनेंगे मार्क करिए, आप फटाफट से गिनिए कितने लेजर बनेंगे, काउंट करिए, आप आपके सामने है, बनेगा 1 2 3 चार, पांच, ओ तेरी, पांच के बाद छह, कितने सारे, ये पहले ही बन चुका है कैश, 7, राम भी पहले बन चुका है, राजा पहले बन चुका है, कैश पहले बन चुका है, 8, सर डिस्काउंट भी तो पहले बन चुका है। देखो डिस्काउंट ये अलग है, एक रिसीव है एक अलाउड है, मैं लेजर पे लिखूंगा तो दोनों के अलग अलग बनेंगे, ठीक है ना। तो देखो कितने सारे बन गए हमारे, 8 लेजर, तो हमें 8 लेजर यहां प्रिपेयर करने हैं, 8 लेजर बनाने हैं, ठीक है। चलिए
थोड़ी स्पेस की कमी हो जाएगी मेरे पास, बट फिर भी मैं मैनेज करूंगा। आपने मैनेज नहीं करना, आपने आराम से बनाना है। ये लीजिए, लेजर बनाया हमने, ठीक है। अब हम करेंगे आगे का काम, डेट हर किसी में डालना है वैसे तो, पर्टिकुलर LF टेप अमाउंट, फिर से इधर क्या स्टार्ट हो जाएगा बताओ, डेट पर्टिकुलर LF एंड अमाउंट। तो कितने कितने, एक एक एंट्री है तो ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना मुझे। एक लेजर बन के तैयार, थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं सेकंड लेजर। जो फर्स्ट लेजर बनाया किसका बनाया है, फर्स्ट लेजर बनाया है कैश का। और कैश के ट्रांजेक्शन अगर ध्यान से देखो ना, तो कैश के ट्रांजेक्शन है एक, तीन ट्रांजेक्शन है यहाँ कैश का। देखो, एक ये कैश है, ये कैश है और ये कैश है। तो इसका थोड़ा बड़ा भी बन सकता है, हालांकि तीन ट्रांजेक्शन यहाँ पे एडजस्टेबल है, लेकिन आप चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो, ठीक है। चलो जी, ये बन गया सेकेंड लेजर, कितना आसान है ना। सेकेंड लेजर ये बन गया, थर्ड लेजर तो 1 2 3 4, ऐसे ही चार मुझे इधर बनाने पड़ेंगे। चार इधर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। हर किसी को विजुअल है पूरा, यस। डेट का कॉलम थोड़ा छोटा, इसमें ना लेजर बनाने में टाइम जाता है हमारा ज्यादा से ज्यादा। मैं बना बना के पता है क्यों दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप सीखो, नहीं तो मैं तो पहले बना लेता बोर्ड पे और फिर बोलता ये देखो, तो उसमें मजा नहीं आता, उसमें रस नहीं आता कि सर आपने तो पहले बना लिया। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, आपको मेरे से ज्यादा मेहनत करनी होगी। है ना, बोलते क्यों नहीं कुछ। और आप सभी का टेस्ट भी होने वाला है बहुत जल्दी, आप सभी का बहुत जल्दी टेस्ट होगा, ठीक है। ओके सर, टेस्ट तो हम देने के लिए रेडी हैं, पता है बच्चे आप सब टेस्ट देने के लिए रेडी रहते हो। मेरे साथ साथ अकाउंट बनाइए जल्दी जल्दी। ये कौन सी एंट्री सीखेंगे आज, आज कंपाउंडेड एंट्री सीखेंगे, है ना। पहले को नाम दिया कैश अकाउंट, रेड मार्कर से लिख देता हूं, वैसे दिखता कम है रेड मार्कर लेकिन फिर भी लिख देते हैं। दूसरा कैपिटल अकाउंट,
तीसरा रामू, रामूस अकाउंट। चौथा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। पांचवा परचेज अकाउंट, फिफ्थ नंबर पे क्या है? परचेज अकाउंट। सिक्स नंबर पे, सिक्स नंबर पे क्या है? राजू, राजू अकाउंट, राजूस अकाउंट। सेवंथ नंबर पे क्या है? डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट डेबिट है तो मींस खर्चे वाला है, तो मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये यहां लिखना जरूरी है नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सेवंथ के बाद एट नंबर पे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, ये बना दिया। सर क्या इसके अंदर आप मेंशन नहीं करोगे? देखो आप सबने लिखना है, मैंने तो बस फॉर्मेट बना लिया, आपने लिखना है हर किसी में डेट, ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया तो चलेगा, मैं तो समझाने के पर्पस से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सारे लेजर भी बना लिए, सारे लेजर आप देख लीजिए फटाफट से, प्रॉपर दिख रहा है? हाँ सर प्रॉपर दिख रहा है। अब पोस्टिंग करते हैं एक एक करके। कैश में जाएंगे तो ये रहा कैश अकाउंट, और वहां पे लिखेंगे टू कैपिटल, किस तारीख को? तारीख है एक तारीख, एक एक में टू कैपिटल, टू कैपिटल कितने रुपए? 6,000 रुपए, ठीक है। अब कैपिटल में जाएंगे और कैपिटल में जाके लिखेंगे बाय कैश, कैपिटल में आ गए और बाय साइड में लिखना है बाय कैश। अमाउंट क्या आएगा? फिर से सर 6,000 ही आएगा। डेट क्या होगा? सर वही डेट है ना। पहली एंट्री डन। सेकंड पे आते हैं, रामू में जाना है और लिखना है टू सेल्स, तो रामू में गए और लिख दिया टू सेल्स, सेल्स कितने रुपए? 500 रुपए। तारीख 2 तारीख, 2-1। अब सेल्स में जाके लिखना है बाय रामू, तो सेल्स में जाते हैं और लिखते हैं बाय रामू, बाय रामू। अभी जीएसटी वाले भी करेंगे, क्यों चिंता करते हो, और ये 500 रुपये बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद। तारीख क्या है? 2-1, ये भी डन। थर्ड परचेज में जाके क्या लिखना है बताओ? परचेज में जाना है लिखना है टू राजा, परचेज में गए, परचेज में गए, ये रहा परचेज, और यहाँ लिखा टू राजा, और कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। डेटेड क्या है? डेटेड क्या है? डेटेड 3 तारीख। राजा में जाके बाय परचेज, राजा में जाके बाय परचेज, बाय और 1,000, और तारीख 3-1, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब जो आज मुझे सिखाना है वो क्या सिखाना है आपको? ये वाली एंट्री है ना, ये और ये दोनों एंट्री मेन है। अब देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना। कैश में जाएंगे बिल्कुल ठीक, और कैश में आ गए, और हमें पैसा कितना मिला? पैसा मिला 450, तो कैश बुक में कितना आना चाहिए ये भी सोचना है हमें। कैश में गए तो कैश में क्या है, जो पैसे रिसीव करोगे या पेड करोगे? अगर आप ध्यान से देखो तो कैश बुक में हमारा एसेट्स है, और ये साइड डेबिट होता है, इधर से प्लस होता है, और इधर से क्रेडिट साइड है तो माइनस होगा, यही होगा ना कैश में। तो हमें पैसा मिला है, तो किसने दिए हैं पैसा? राम ने दिया है, तो यहां लिखेंगे टू राम, लेकिन आपको लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, राम ने कितने पैसे दिए हैं? तो जी राम ने कैश वाला पैसा दिया है 450। ओके सर, 4-1। इसके बाद डिस्काउंट में जाएंगे, ये डिस्काउंट डेबिट वाला है यानी अलाउड, उसमें भी लिखेंगे टू राम, तो डिस्काउंट हमारा खर्चा है, तो डिस्काउंट में लिखा टू राम, डेबिट में आ गया ना, देखो टू राम कितने रुपए? 50 रुपीज, 4-1। बताइए कोई दिक्कत? अब राम में जब जाएंगे तो राम का अकाउंट कितना था? 500, पूरा बराबर हो गया ना, बाय, और यहां पे लिखा मैंने कैश दिया राम ने 450, और राम ने ही मुझे डिस्काउंट दे दिया।
यानी हम क्या करेंगे, राम में जाके बाय कैश, राम में ही जाके बाय डिस्काउंट, और डिस्काउंट 50। दोबारा देखिए, कैश में गए टू राम लिखा, डिस्काउंट में गए टू राम लिखा, राम अकाउंट में गए और बाय कैश लिखा, फिर राम अकाउंट में गए डिस्काउंट लिखा। ठीक है ना? तो अब इधर ध्यान दोगे आप तो राम से कोई लेना देना है क्या? राम से 500 रुपए लेने थे और फुल सेटलमेंट हो गया तो बराबर, तो राम का कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा, बराबर, दोनों साइड बराबर, चिंता की कोई बात ही नहीं है। ओके सर, समझ गए अब इतना तो। चलिए अब बताओ ये वाला, राजू में जाएंगे क्या लिखेंगे, टू कैश, फिर राजू में जाएंगे और लिखेंगे टू डिस्काउंट। तो राजू में देखते हैं कहाँ गया राजू, ये रहा, अरे ये रहा राजू, राजू में टू कैश, और कैश में, राजू में टू कैश, कैश में कितना डील हुआ है, 900 रुपये। भाई राजू भाई तुमसे 900 रुपये लिए गए, और टू डिस्काउंट, राजू भाई तुमसे 100 रुपये का डिस्काउंट था, है ना? इसको समझिए अकाउंट को, अभी मैं समझाऊंगा अकाउंट को, है ना? ठीक है, अब कैश में जाएंगे बाय राजू, बाय जूस नहीं, बाय राजू, बाय राजू, कैश में गए बाय राजू 900 रुपए। कितनी तारीख की एंट्री है, 4-1, कैश में जाते ही बाय राजू, डिस्काउंट में जाके बाय राजू। सर समझ गए, बहुत आसान है, बाय राजू कितने रुपए के, 100 रुपए के। कितनी तारीख की एंट्री, 5-1, और शायद मैं कहीं भूल तो नहीं गया, नहीं सर कहीं नहीं भूले सर, यहाँ पे 4 लिख दिया जबकि 5 तारीख की एंट्री। ओके सर, ठीक है, समझ में आया। फिर से देखो, कैश अकाउंट में ढूंढना है पहले, यहाँ कैश है, जनरल तो कर लिया आपने, कैश ढूंढोगे, कैश ढूंढोगे, ये ढूंढ लिया, ये रहा कैश, और कैश में जाके हमें लिखना है टू राम, लेकिन अमाउंट राम वाला 450। फिर डिस्काउंट ढूंढो, डेबिट है डिस्काउंट तो अलाउड वाला है ना डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अलाउड, ये रहा यहाँ टू राम 50 रुपए। उसके बाद राम का हिसाब बराबर हो गया, तो राम में लिखा मैंने बाय कैश बाय डिस्काउंट, ठीक है। सेम ऐसे हम राजू में गए, राजू में क्या लिखा, टू कैश टू डिस्काउंट, राजू अकाउंट देखो, राजू अकाउंट देखो, राजू अकाउंट देखो, टू कैश टू डिस्काउंट 900, 100 रुपए। इसके बाद कैश में गए और कैश में क्या लिखा हमने, देखो यहाँ पे कैश में था ना, कैश में गए और लिखा बाय राजू, लेकिन कितना लिखना है, 1000 लिखना है, नहीं, कैश में कितना हमने दिया है उसे, बाय राजू 900। डिस्काउंट में गए और डिस्काउंट में गए बाय राजू, डिस्काउंट 100 रुपए, डिस्काउंट में बाय राजू 100 रुपए। अब अकाउंट में आपको अच्छे से पता है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट भी आपने बड़े अच्छे से कर रखा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो एसेट सारा डेबिट होगा, एक्सपेंस सारा डेबिट होगा, लाइबिलिटीज टोटल क्रेडिट और इनकम टोटल क्रेडिट, ठीक है। इसलिए अब देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, ये हमारा कैश क्या है, बताइए कैश क्या है। सर कैश हमारा एसेट्स है। अच्छा, तो कैश डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से घटेगा, बिजनेस में जब पैसा आया कैपिटल के रूप में तो कैश बढ़ गया, फिर हमें राम से मिला तो कैश बढ़ गया, अब हमने खरीदारी करी तो उसको पेमेंट तो किया है, तो देखो बाय में आ गया, यानी इधर से घट गया। अल्टीमेटली पूछू, बताओ कितने कैश बचे, आप हिसाब लगाओगे, 6000 शुरू में आए और हमने लिए राजू से 450 रुपये, तो 6450 रुपये हो गए थे हमारे पास, 6450 रुपीस हो गए थे हमारे पास, और दे दिया 900 रुपये, 900 दे दिया 6450 रुपीस, तो 900 रुपये अगर हम दे देते हैं, 1000 दे देते हैं, तो 5450 का बचा। कई बार ना कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हो जाती है, एक जनरल एंट्री जीएसटी का परचेज वाले पॉइंट में हो गया है मिस्टेक, तो वो बच्चे ठीक कर लेना अपने आप, ठीक है ना? तो ये चलो, ओहो कैलकुलेटर तो लाए नहीं आज हम, कोई बात नहीं सर आप तो वैसे भी कर लोगे, ये लो इसको लाइन खींचा, एक एक करके अकाउंट बंद करना है ना, टोटल ज्यादा इधर का है 64, मैं जो बता रहा था फिर दोबारा रिपीट करूंगा, 6450, और बाय साइड में आ गया है हम, बाय बैलेंस है ना, बैलेंस सीडी किस डेट का, 31-1, कितने आए 5550, ओहो ये आ गया, ठीक है, 64 में से 1000 गए 64 और 55।
तो हमारे जेब में इतने रुपए बचे हुए हैं। कैसे पता चला? सर 6,000 आए थे, एक आया था हमारे पास 450 आए थे, टोटल हमारे पास इतने थे, बचे हुए इतने। तो ये सीडी तो यही तो बताता है कि बचा हुआ कितना है, बचा हुआ। और इसको हमें अगली डेट पे ले जाके 1-2 को हमें बस एक काम करना होता है, टू बैलेंस बीडी और 6-4, ओहो ये वाला 555-0। देख रहे हो मेरा दोनों सामने? सर बंद नहीं किया, बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्यों चिंतित हो? तो ये लो बंद कर दिया, 2 लाइन। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ये लो। अब कैपिटल अकाउंट, हमारे पास कैपिटल लाइबिलिटी आया, लाइबिलिटी 6 का, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई। अब मान लो अगर मैं और कैपिटल लगा देता तो बढ़ता या घटता? सबसे पहले कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए? सर ये तो लाइबिलिटी है, तो ये क्रेडिट से प्लस होगा और डेबिट से माइनस होगा। तो अगर मैं और कैपिटल लगाता तो किस साइड आता अकाउंट के अंदर? सोचो सर, इधर की साइड आता। और अगर मैं कैपिटल निकालता तो किस साइड आता? सर डेबिट साइड में आता। बस समझ में तो आ गया आपको कि हमें ये चेक करना है कि किधर से बढ़ेगा घटेगा, वही जर्नल से यहां जाता है। हम डायरेक्ट नहीं करते लेकिन जर्नल की हेल्प से कर रहे हैं, तो ऐसे भी पता चल जाएगा आपको कंपेयर कर करके कि अच्छा बाय में आया इसका मतलब इधर बढ़ रहा है। अगर मैं इधर लिखता कैपिटल तो इधर से तो माइनस होता, लेकिन जब बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं तो माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं है, प्लस होना चाहिए था। तो इसलिए यहां ये भी लॉजिक चेक करते रहोगे। 6,000, 6,000, 2 लाइन ये लो। आप चिल्लाने लगते हो, टू बैलेंस सीडी कितने रुपए का? कुछ है ही नहीं ऊपर, तो 6,000 ही आएगा। डेटेड क्या है सर? डेटेड तो लास्ट मंथ का आएगा, 31-1। ठीक है, आप इसको कर देते हैं 1-1-1-2 को टू बैलेंस बैलेंस बीडी। यहां नहीं लिखना, जगह खाली है, इसी के नीचे ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके सर, 2 अकाउंट बंद। अब रामू, रामू का चेक करते हैं। भाई रामू, तुमसे तो हमने सामान खरीदा था, नहीं बेचा था भाई रामू, और तुम्हारा हिसाब भी बराबर हो गया, तो रामू तुमसे कितने लेने बच गए? अब इधर निकाल लो, इधर निकाल लो, आंसर 0। तो रामू से कुछ लेने बचे क्या? नहीं। और रामू वैसे क्या था हमारा? डेटर था, डेटर है ना। और डेबिट से डेटर क्या होता है? प्लस, और क्रेडिट से माइनस, क्योंकि डेटर हमारा एसेट्स है। तो देखो जैसे हम और रामू को सामान देते तो किधर आता? इधर आता। और रामू का अगर पैसा देता जाता, रामू मुझे पैसा दे रहा है, तो रामू का डेटर मेरा कम होगा ज्यादा होगा? रामू पैसे दे रहा है, मेरा डेटर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, तो इधर आएगा बाई साइड में। रामू को हम उधार दे रहे हैं, तो हमारा डेटर बढ़ता जाएगा, तो इधर आएगा। ऐसे भी लॉजिक हम समझेंगे। ठीक है, चलिए। अकाउंट बोलता है अपने बारे में, मेरे को जन मुझे अगर बोला जाए तो मुझे जर्नल इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं से पढ़ लूंगा। कैश, अच्छा कैपिटल के पैसे आए हैं 6,000। रामू, राम ने, रामू या राम है? ओहो मिस्टेक कर दिया सर, रामू है। रामू ने 450 दिए और राजू को हमने दिए 900, और इतने बचे। पढ़ना आना चाहिए, यहां इसको पढ़ू। रामू को सेल किया 500 का, रामू ने दिए हमें 450, और रामू को डिस्काउंट भी हमने दे दिए 50 रुपए का। अब रामू से ना लेना ना देना, बराबर हिसाब, बराबर हिसाब। लो जी लो बराबर। सेल्स पे आ जाओ। सेल्स क्या होता है नॉर्मली आप देखो तो? सर सेल्स तो इनकम है, इनकम क्रेडिट इधर से प्लस होगा और डेबिट से माइनस होगा। सेल्स 500 रुपए और 500 रुपए और टू बैलेंस, वैसे निकाला नहीं जाएगा लेकिन फिर भी निकाल रहा हूं मैं, 31-1। इसको बीडी नहीं करता मैं, कर दूं सर? कर दो ना बीडी, कर दो। ओके बाय बैलेंस बीडी 500 रुपए। इस अकाउंट को समझते हैं। अगर मैं रामू के जगह सामू को भी बेचता तो यहीं पे आता, दीपक को बेचता तो सेल्स जितना ज्यादा करता जाता इधर से बढ़ता जाता, और सेल्स रिटर्न होता तो इधर से क्या होता? कम हो जाता। तो इधर से कम होगा, इधर से ज्यादा होगा। वेरी सिंपल। ओके सर, परचेज, परचेज, परचेज भी खर्चा है, अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए खर्चे और इनकम का।
कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलता खर्चे इनकम का, फिर भी हम इधर लिख रहे हैं बाय बैलेंस सीडी 1000। ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस, आज ट्रायल बैलेंस भी सिखा देता हूँ। आज तो मेरा मन कर रहा है सब सिखा दूँ आपको, आप बहुत बोलते हो, आज सब सिखा देंगे, ट्रायल बैलेंस में सिखा देंगे, है ना। और ये आ गया ए दो को, टू बैलेंस बीडी अमाउंट 1000। अब राजू की बात करते हैं। राजू भाई तुम्हें देने थे 1000 रुपए। राजू क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिट से प्लस होगा और डेबिट से माइनस होगा। राजू भाई तुम्हें देने थे 1000 रुपए, और तो इधर राजू से और सामान मैं खरीदता तो मेरा क्रेडिटर क्या होता? बढ़ जाता। किधर आता? इधर। और सामान खरीदता तो फिर क्रेडिटर बढ़ जाता। किधर आता? बाय साइड में। राजू को मैं पैसा दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं, तो राजू का मेरा क्या होगा? क्रेडिटर कम 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 कम। किधर से होगा? डेबिट से होगा। तो देखो अब मैं अकाउंट पढ़ूंगा। राजू से मैंने 1000 का उधार खरीदा था और फिर मैंने उसको नगद में 100 दिए और राजू ने डिस्काउंट दे दिया। अब मेरा राजू से कोई वास्ता नहीं है, राजू से ना कुछ लेना ना कुछ देना। देखो दोनों साइड बराबर आ गया ऑटोमेटिकली। डिस्काउंट अलाउड 50 रुपए और 50 रुपए, और बाय साइड में बैलेंस सीडी 50 रुपीज और 31। एक दो को टू बैलेंस बीडी 50 रुपीज 50 रुपीज, ठीक है। चलिए अब यहां भी देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है तो खर्चा हमारा बढ़ गया। डिस्काउंट रिसीव बताओ क्या है? इनकम। तो इनकम इसलिए क्रेडिट में आया ही है। और टू बैलेंस सीडी, तारीख है 5/1, ठीक है। और इसको बना देते हैं बाय बैलेंस बीडी 1000, तारीख है 5/1, ठीक है। अब अकाउंट पढ़ते हैं हम एक बार, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, आप भी ऐसे ही पढ़ना है। कैश अकाउंट आप क्या हो? कैश अकाउंट बोलेगा मैं एसेट्स हूं। कैश अकाउंट आप एसेट्स हो तो इधर से बढ़ोगे, यानी कैश पैसे बिजनेस के अंदर आए हैं कैपिटल से और रामू से। कैपिटल से आए कितनी तारीख को? 1 तारीख को 600 रुपए। रामू से आए 4 तारीख को 450। और कैश हमने राजू को दिए 5 तारीख को 900 रुपए। और अब हमारे पास कैश बच गया 5550, 5550, 5550 रुपए। देखा कैसे बोल रहा है कैश अकाउंट चिल्ला चिल्ला के। कैपिटल अकाउंट आप क्या हो? मैं लाइबिलिटी हूं, मैं इधर से बढ़ने वाला हूं और इधर से घटने वाला। ओके कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कैश में मेरे पास कैपिटल आया 6000। मान लो मैं फर्नीचर लगाता तो भाई फर्नीचर लिखता है यहां पे, और अभी मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ तो जैसे पहले था वैसा ही मैं अभी भी खड़ा हूं, 6000 के 6000। समझ में आई बात? रामू से, रामू अकाउंट आप क्या हो? मैं डेटर हूं, प्लस और माइनस इधर से। रामू आपको सामान बेचा गया था 500 का, ठीक है। और रामू मैंने आपने मुझे दे दिए, कितने दिए? 450। देखो अब रामू ने मुझे 450 दिए तो एक यहां भी आया और यहां, यहां हमें मिल रहा है कैश में और यहां रामू का अकाउंट कम हो रहा है और डिस्काउंट। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेम ऐसे सेल्स हमारा खर्चा है, परचेज इनकम है। तो खर्चा तो हमारा क्रेडिट से ही, इनकम क्रेडिट से स्टार्ट हो गया और खर्चा डेबिट से स्टार्ट हो गया, ठीक है। राजू का अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्या, एक बार नोट करो आप, सिर्फ ये वाला पोर्शन नोट करना। मैं जर्नल एंट्री मिटाऊंगा अभी, पहले ये वाला नोट करना, फिर मैं इसका आपको ट्रायल बैलेंस भी बना के दिखाऊंगा। छोड़ो आज सब सीख लेंगे, ट्रायल बैलेंस में सिखाऊंगा। तो पहले आप इस वाले को नोट करिए जल्दी जल्दी। कितनी जल्दी में नोट करते हैं देखते हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए आप इस वाले पोर्शन को। अभी जीएसटी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, बहुत जल्दी मैं जीएसटी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा इसमें। अगली क्लास के अंदर हम इसके अंदर जीएसटी को भी जोड़ेंगे। जीएसटी जोड़ते ही लेजर में और कुछ नहीं बचा भाई, लेजर खत्म खत्म, लेजर समझो। बस जीएसटी करूंगा 2-4 एंट्री और लेजर खत्म। आपको बस उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने हैं और वो मैं देखूंगा कि कैसे आपने किए हैं। चलिए
किया नोट? अरे जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी नोट करिए इसको आप। नोट करिए फटाफट, एकदम फर्राटेदार, जल्दी जल्दी। नोट करिए, नालायक पटना, जल्दी जल्दी नोट करो, बातें कर रहे हो आप। रांची आप भी नोट करिए, फरीदाबाद आपने तो हद कर दिया। आप कह रहे हो सर हम नोट नहीं करेंगे, खुद कर लेंगे, आप जल्दी करा दो, आप जल्दी नोट करो। मिटा दे सर, मिटा दो, फिर आप मत कहना कि सुंदर सुंदर नहीं लिखा। अब मैं मिटाने जा रहा हूं, लिखना सुंदर सुंदर, आप टिक पॉज करो और नोट करो, ठीक है? इसे मैं मिटा रहा हूं। और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं ट्रायल बैलेंस। अब हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस जो अगर गलती करी होगी तो वो हमें ढूंढ के बताएगा। ट्रायल बैलेंस का कैसे फॉर्मेट बनता है? सेम टू सेम, ये ऐसे बनेगा ट्रायल बैलेंस। इतना आसान है ना ये कि या समझ नहीं आता। यहां पे डेट लिखना होता है, एज ऑन एज या एज एट कर देता हूं, एज एट। जैसे कि मान लो 31 मार्च है तो 31/3/2020 ये डेट आएगा। ये लो, ये लो, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर। अब सभी के बैलेंस बीडी यहां से उठा के यहां रख दो। दो तरीके से समझेंगे, कैश एसेट से तो आपको पता है जी कैश यहीं आएगा, एसेट से तो पता है कि डेबिट में आएगा। अब बैलेंस बीडी भी देखो कहां है, डेबिट में ही है, 5550। समझ में आई बात आपको? आप कैश पता है कि एसेट्स होता है, आना कहां चाहिए, डेबिट में। तो आप कैश अकाउंट जाइए, पहले लिख लीजिए, और कैश में क्या बैलेंस लिखेंगे ये लिखा जाता है। हमारे सारे लेजर के बचे हुए बैलेंस इसमें डाल देते हैं। कैश भी इसमें आएगा, कैपिटल भी इसमें आएगा, राम भी इसमें आएगा, जो भी है, सेल्स भी, जो बचे हुए बैलेंस जिसके, सब इसमें आ जाएंगे। जैसे होता है ना गंगा जमुना सरस्वती, सब मिल जाते हैं एक जगह जाके। सेम ऐसे ये मान लेते हैं समुन्दर है, सारे छोटी छोटी नदियां इसमें आके क्या होगी, मिल जाएगी। तो लेजर की डेफिनेशन पूछा जाए तो लेजर क्या है हमारा, हमारा ग्रुप, सॉरी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है हमारे, लेजर के सारे बैलेंस को कोऑर्डिनेट करता है ये हमारा, ठीक है सर। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, और क्रेडिट में आना चाहिए। और वैसे भी देखो इसका बीडी कहां है, कैपिटल, कैपिटल बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में ही है ना, तो क्रेडिट में आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो बैलेंस बीडी देखो। रामू डेटर एसेट्स है, रामू यहां आना चाहिए। रामू इसका बैलेंस क्या है, कुछ नहीं, ओ माय गॉड, कुछ नहीं बैलेंस, जीरो। अब सर जीरो लिखना है, आपकी इच्छा है, रामू लिखो चाहे यहां पे जीरो मत लिखो, आपकी इच्छा है, ठीक है, या लिखो या मत लिखो। सेल्स क्या होता है, इनकम, तो मैंने लिखा सेल्स, और डेफिनेटली पता है क्रेडिट में, और इसका बैलेंस बीडी भी चेक करो कहां आ रहा होगा, क्रेडिट में 500 रुपए, ओके। परचेज अगला क्या है, परचेज, परचेज क्या होता है, परचेज क्या होता है, एक्सपेंस, हमें पता है कि एक्सपेंस डेबिट में आएगा, फिर भी तसल्ली के लिए चेक करो इसका बैलेंस बीडी कहां निकाला, 1000, यानी सारे बैलेंसेस के बीडी को लिखना है। राजू, अब राजू का कुछ बैलेंस है क्या, चेक करो राजू का कोई बैलेंस है यहां पे, सर राजू का तो कोई बैलेंस नहीं है, तो क्या राजू के बैलेंस को यहां लिखना चाहिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यानी सिंपल सा है, जिसके दोनों साइड अकाउंट बैलेंस हो जाते हैं उसके बैलेंस को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें कौन से बैलेंसेस को लिखना है, सिर्फ उसी बैलेंस को लिखना है जिसका बैलेंस आपस में बराबर ना हुआ हो, ओके सर समझ गए। डिस्काउंट अलाउड,
अब बताओ डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, खर्चा होता है सर। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, तो खर्चा डेबिट में आएगा और वैसे भी इसका बैलेंस डेबिट में 50 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है जल्दी बताइए, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है जल्दी जल्दी बताइए बताइए, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है सर। डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो डिस्काउंट रिसीव हमारा इनकम होता है, तो कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट में। और चेक करिए डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस भी आपका, जो डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस है वो भी कहाँ पे है, क्रेडिट में है। कितने रुपए का है, ओहो 1000 कैसे आ गया, 100 है ये। ऐसे एरर नहीं करना आपने, 100 रुपए क्रेडिट। अब इन दोनों को टोटल करें, इन दोनों को टोटल करके भगवान से प्रार्थना करो कि दोनों मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करो दोनों मिल जाए। अगर दोनों साइड नहीं मिला तो दोबारा लेजर करना पड़ेगा। क्यों सर, दोबारा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि गलती है और इसमें से गलती ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। या तो आपकी जर्नल में मिस्टेक हुई है या लेजर में मिस्टेक हुई है, तभी ये मिल नहीं रहा। तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मिल जाना बस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एग्जाम के अंदर भी दोनों साइड मिल जाना बस, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। ओके हे कृष्ण भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, मिलाओ। तो 6600, 6600, 6600 प्रभु इधर का भी टोटल 6600 हो, 5550 और 50 ऐड करेंगे 5600। ये लो आपकी प्रार्थना सुन ली भगवान ने, और दोनों साइड क्या हो गया हमारा 6600 और 6600। ये ट्रायल बैलेंस है, आपके बुक वालों ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, ट्रायल बैलेंस का एक अलग से चैप्टर बना दिया, ये लो जो ट्रायल बैलेंस करके दिखाओ। ऐसा थोड़ी होता है ट्रायल बैलेंस का अलग से चैप्टर, वो तो लेजर के साथ ही आना चाहिए हमेशा, ताकि कोऑर्डिनेशन रहे। अब देखो हम तीन चैप्टर साथ में लेके चल रहे हैं, जर्नल करा था, लेजर कर लिया, और उसी की मदद से क्या बना लिया हमने, ट्रायल। ये तीनों एक ही चैप्टर है, बुक वालों ने बच्चों को सिर्फ परेशान करने के लिए तीन पार्ट में बांट दिए। कोई बात नहीं, बुक वाले बांटते रहेंगे और हम बच्चों को आसान तरीका बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप जल्दी जल्दी नोट करिए, ट्रायल बैलेंस ये एज एट है, इसका मतलब इस दिन बैलेंस बना है, और इसको जल्दी जल्दी से सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करिए। और आज आपकी क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया जिसके अंदर था कंपाउंड एंट्री का किस तरीके से पोस्टिंग होगा और एक लेजर। कल हम जीएसटी के साथ कुछ एंट्री करेंगे और हमारा ट्रायल बैलेंस भी खत्म हो जाएगा, फिर आपके बुक के दो चार लेजर वाले भी क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस वाले भी कर लेंगे और लेजर वाले भी, तो हमारा ट्रायल बैलेंस और लेजर समझो खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है, जो मैं असाइनमेंट दूंगा उस असाइनमेंट को सॉल्व करके भेजना, मैं चेक करके फटाफट टका टका आपको रिप्लाई कर दूंगा। और सभी बच्चे टेलीग्राम पे, कुछ बच्चे पीडीएफ भेज रहे हैं, आप इमेज भेजो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। ओके सर, चलिए नोट करिए, आप नोट करिए फटाफट। कर लिया नोट, ठीक है बच्चों, नोट करिए फटाफट। बाय बाय, टाटा, कल मिलेंगे हम अगली क्लास में और जीएसटी सीखेंगे और ट्रायल बैलेंस को खत्म करके उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर पे, उससे अगली क्लास में बढ़ेंगे। कितना छोटा चैप्टर था, जनरल एंट्री आपने कर लिया, उसके बाद तो सवाल ही नहीं है कि कोई चैप्टर ज्यादा दिन तक रुके, बस आपके सामने जनरल एंट्री आपको आना चाहिए अच्छे से। तो फटाफट नोट करिए आप।